कल मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने उनकी याद में 5 ऐसे गरीब लोगों को भोजन कराया और 2 लोगों को कुर्ता पजामा और साफा भी किया। ये सोच करके कि शायद मुझे मेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी, मैं उनसे रोज मिलना चाहता हूँ। आप सबकी बातें सुनने के बाद में ये मनोमन मेरे मन में फिर से जागी। मैं आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने मन की व्यथा अपने पिताजी से कहना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे मालूम है मैंने किस तरह से आपसे 23 साल गुजारे हैं। मैं रोज आपको याद करता हूँ। मुझे मालूम है कि एक एक पल मेरा कैसे बीता है। मैं आपको बहुत याद करता हूँ। कब आएंगे आप मेरे से मिलने के लिए? मैं, मेरी पत्नी, आपके पोता पोती आपको बहुत याद करते हैं। कृपया पिताजी, एक बार आ जाइए। मेरे तो गिले शिकवे है, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, प्लीज। बेटा, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ भावनाओं की, लेकिन अब ये संभव ना हो पाएगा। मैं 1998 में देखता था तुमको कि तुम आए हो, तैयार हुए और एकदम बिना मेरे से मिले हुए ऑफिस की तरफ निकल गए। और इसी तरह से मेरी बहू भी आती थी, तैयार हुई, तुम दोनों एक साथ निकल जाते थे। फिर तुम आए 8 बजे, फिर कपड़े चेंज किए और फिर ऑफिस की तरफ चल पड़े। मैं ये सोचता रहा कि तुम कभी आओगे, पर पिताजी, मैं आते जाते आपको नमस्कार जरूर किया करता था, दवाई दिया करता था आपको, वो तो याद होगा। याद है बेटा, मुझे बोलते याद है। मैं भी तुम्हारी याद में बहुत ही पागल हुआ रहता हूँ। सोचता रहता था कि कब मेरा लाल मेरे हाथ पकड़ेगा, कब इनकी बहू मेरे पास आएगी, कब ये मेरे पोते पोतियाँ मेरे पास आएंगे। पिताजी, मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, मैं आपके हाथ छू लेता हूँ। पिताजी, एक बार मुझे अपने घर आ लीजिए, एक बार मुझे संभव न हो पाएगा। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, अब न मैं वापस आ पाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरी दुआएं हैं तुम्हारे परिवार के लिए, अपने पोती पोतियों के लिए। उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो खुशी रहें, खुशहाल रहें। आप भी जिस काम में लगे हुए हो, अपनी पूरी कर्मठता से देश की सेवा करते रहो। जिस तरह से तुमने सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा की है, देश की सेवा की है, इसी तरह से अपने गोल को, अपने जो भी आपके मन में अच्छा लगता है, बुजुर्गों की, बच्चों की, विद्यालयों में जाने की, जो भी सेवा कर सकते हो उसको करते रहो। और अब मेरा आना तुम्हारे पास मुमकिन ना हो पाएगा पुत्र, ये बहुत समय निकल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ, मैं भी तुम्हारे साथ मिलूँ, मांगे साहब ने मेरे को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया कि आप आकर के मंच पे कुछ बोलें। मैं लगातार सोचता रहा, एक गंभीर समस्या है, जिस समस्या से मेरे पिताजी निकल रहे थे, मैं भी उसी समस्या में आज खड़ा हूँ। मेरी भी उम्र 67 साल की हो चुकी है, मैं भी वही दुख दर्द से निकल रहा हूँ।
लेकिन मैंने इसके ऊपर पंच गौर किया कि मेरे पहले कर्ताओं ने उस चीज को बड़ी बखूबी से जाहिर करने का प्रयास किया। मैं उसको महसूस कर रहा था, उन कानों में उन आवाजों को सुन रहा था, उन दृश्यों को अपने सामने देख रहा था और बॉडी में महसूस कर रहा था। मुझे एक ही बात लगी कि हमारे टूटते हुए परिवार, जो संयुक्त परिवार था हमारा, जिसमें हम दादा नानी सब लोग बैठ करके इकट्ठे खाना खाया करते थे, एक ही थाली में 5-6 थालियाँ होती थी, दादी हमको परोस के दे दिया करती थी, कभी एक रोटी की भूख होती थी तो 4 खा जाते थे मिल करके, लेकिन कभी इस प्यार को हम वापस नहीं ला पाए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये जो एकल परिवार होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रसाद की जड़ है। एक आने का बुलबुला जो हमको स्वाद देता था जिंदगी का, उस समय 60 के दशक में, वो आज 750 रुपए का पिज्जा भी हमको वो स्वाद वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि उसमें वो बहुत बड़ा प्यार था। मैं स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अफसोस की बात है कि आजकल ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में आता है, ना तो कॉलेज खुले हैं, ना ही विद्यालय खुले हैं, और ना ही इस दिन को मनाने की प्रथा हमारे स्कूलों के अंदर शामिल है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें कम से कम 10 साल लगते हैं। जब धीरे धीरे बीज बोए जाते हैं, इसके ऊपर मनन किया जाता है, मंथन किया जाता है, तब एक पर्सनैलिटी बन के निकलती है, तब हम ये दिन को हम जो कहते हैं कि अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा होती है। मैं काफी समय से भांगिया साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इन्होंने हमको कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं, और जब काम मिलता है हमको, तो ये है कि जब हम सुबह उठे निवृत्त होकर के दर्पण में किस आदमी को पहले देखें, वो है आपकी खुद का अक्ष शीशे के अंदर, उसको देख करके बोले कि आई लव यू, क्योंकि आपको कोई नहीं बोलेगा। 25 साल पहले 30 साल पहले बोल दिया होगा आपके अदानी ने, आपके लाइफ पार्टनर ने कि आई लव यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपका सेल, एक एक जिंदा सेल है, वो प्रशंसा का अधिकारी है, वो आपकी प्रशंसा सुनना चाहता है। तो आप यहाँ से शुरू करके नीचे तक हर अंग को 3 बार बोलेंगे, आई थैंक यू, आई लव यू, आई कॉम्प्लीमेंट यू, और आई रिक्वेस्ट यू कि अगले 30 साल तक मेरी इसी तरह से सेवा करते रहना, क्योंकि अगर इस ब्रेन ने काम नहीं किया होगा, ना मैं 10th कर पाता, ना मैं 12th कर पाता, ना मैं इंजीनियरिंग कर पाता, ना मैं अच्छा डॉक्टर बन पाता, ना मैं कुछ कर पाता, लेकिन आज मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी है। तो ये एक अंक से लेकर नीचे तक प्लीज हर एक अंक के साथ में ये एक्सरसाइज आप मनी मन में करिए, और एक एंड में जो भी अंक आप समझते हैं कि थोड़ा सा काम कम कर रहा है, उसके ऊपर हाथ रख करके कहिए कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमको ये तकलीफ लगी है, आप ऐसा, मैं तुमसे मना करता हूँ, तुम्हें कोई ऐसी चीज खाने के लिए नहीं दूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को तकलीफ हो, यानी कि हम दोनों इकट्ठे रूबर रहे हैं, मैं और मेरा दिल, तो हम दोनों एक दूसरे के साथी बनेंगे, तो हम ये सब काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और एक दूसरा काम है कि अपने आप को एक एक्सरसाइज करिए, वो ये है कि अपने हाथ बढ़ा लीजिए, इसको आप, हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक बायां ब्रेन और एक दायां ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन डॉक्टर साहब जानते हैं दायां बॉडी का पार्ट को कंट्रोल करता है, दायां ब्रेन लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस दायने हाथ को आप क्लॉकवाइज घुमाएं और इस वाले हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। प्लीज अपने हाथ शुरू करिए, लाइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कर पाते हैं आप मेरी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप कर पाएंगे तो आप वाकई ही, ये देख लीजिए, ये आप खुद देख पाएंगे, एक महीने में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरा संभव हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज, एक हाथ यहाँ रखिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, योगा का दिन 21 तारीख को आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही मैं थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ, एक हाथ यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए और एक हाथ यहाँ रखिए, करके देखिए क्या ये हो सकता है आप लोगों से, ये कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है, ये दो करिए। और तीसरी एक्सरसाइज, इस तरह से हाथ मिला लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार फिर से मैं भाग्या साहब का, सभी वक्ताओं का, जिन्होंने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुद सशक्त बनना है, दूसरों के ऊपर भरोसा कम रखना है, अपना ख्याल खुद रखना है।
जय हिंद।